के भी अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आ रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी हमने अब मैं सारा पूरी बता पाऊंगा पूरे पूछे स्टेशन में 100 के वी एट दिल्ली का जो है ये हमारे नीचे एरिया में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा इस ट्रांसफार्मर के लगने से ऑलमोस्ट यहाँ से प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी लो वोल्टेज, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिटी है थी तो यहाँ पे वो लोड की मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ओवरलोडिंग तारें टूटनी। ये ट्रांसफार्मर लगने से मैं बोल रहा हूँ 99% प्रॉब्लम, क्योंकि ये एरिया में ये 25 के लिए डीटी नहर बंदी लॉ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट्स हूँ जोरी पॉइंट, दो डिस्ट्रिक्टों को मैं देख रहा हूँ, तो जो बिजली के नए कार्यक्रम चल रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। तो इसी दिशा में देखो आज एक भारत सरकार की ओर से ये प्रोग्राम चल रहा है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, तो ये प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक पूरे देश में उनका ये है कि हर घर बिजली पहुंचे, हर मोहल्ले में बिजली पहुंचे, हर गांव गांव बिजली पहुंचे, तो इसमें बड़ी हमें सफलता भी मिली है। तो ये प्रधानमंत्री साहब जनाब मोदी साहब की स्कीमें हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसमें हमने जोरी में 42 हैबिटेशन में काम किया। ऐसे हमारे PMDP रूरल में हमने 117 हैबिटेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफार्मर लगाए हैं। ऐसे हमने सिविल स्टेशन जो है 12 बनाए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें नोलिया निशहरा है, डूंगी है, और उसके बाद कांगड़ी है, सुंदरबनी है, मुरादपुर है, खांडली है, ख्योरा है, ये अपने कोटंका है, मनोहरगढ़, ये स्टेशन बनकर तैयार हो गए। दो तीन स्टेशन जैसे तत्ता पानी शाहदरा जी और पठानपुरा वो चल रहे हैं, दो तीन महीने कम्प्लीट हो जाएंगे। और इससे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 73 MVA बिजली ऐड हुई है। अब जो ओवरलोड की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, और बाकी जितने गांव में ट्रांसफार्मर लग गए हैं उससे ओवरलोड खत्म हो रहा है, और लोगों को बिल्कुल अब 24 घंटे बिजली मिलेगी और सही बिजली मिलेगी।